लगा हुआ है यहाँ पे, यू कुड सी सिटिंग एरिया जो है बड़े ही मज़े की जगह पे है, नीचे पानी बह रहा है, आप अंदर पैर रखते हैं एंड यू एंजॉय दिस थिंग। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, थ्रू आउट आप एंड तक देखें पीछे आपको बहुत सारी फैमिलीज भी नजर आएंगी, देर एंजॉइंग दैट एज वेल एंड आई एम एक्चुअली एंजॉइंग सो फार एज वेल। सबसे पहले तो आते मैंने म्यूजिक को इन्जॉय किया ना, सो उसका बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद नाउ आई एम सिटिंग हेयर एंड ऑब्वियसली आई हैव ऑर्डर्ड द फूड, क्योंकि एक तो मुझे भूख लगी हुई थी और दूसरा आप इस तरह की जगह पे आएँ, इतना खूबसूरत मौसम हो और इतनी खूबसूरत जगह हो, खूबसूरत से पहाड़ आपको नज़र आ रहे हो, तो एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें यू गेट चाय एंड पकोड़े और समोसे या फ्राइज। तो आई हैव ऑर्डर्ड द पकोड़ाज एक्चुअली, अब बस मैं इनको खाऊँगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद डेफिनेटली आई एम गोना एंजॉय दिस प्लेस। समथिंग मोर यू नो, एक्चुअली व्हाट हैपेंस जब भी ट्रैवलिंग पे निकलते, मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा, मेरे साथ तो यकीनन ऐसे होता है कि घर में जब होती हूँ तब तो अम्मा होती है ना, तो खाने छाने का ख्याल रख लिया, टाइमली आपको ला के हर चीज़ दे दी, फ्रूट्स का है वो उन्होंने खुद किया, काट के घर में हर चीज़ आपको मिलती है बनी हुई प्लेट के अंदर सजी हुई। लेकिन जब आप ट्रैवलिंग पे होते हैं तो यू आर बाय योर ओन और आपको अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है, और हम बेसिकली लापरवाही कर देते हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखते। मैं तब से बैठी हुई थी तो मैंने कहा मैं उठती हूँ और थोड़ा सा पानी के अंदर वॉक करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। और जैसे मैं उठी हूँ यहाँ पे मुझे इतनी सारी मछलियाँ नज़र आई हैं, छोटी छोटी मछलियाँ बेसिकली, यहाँ पे आप इनको थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना तो आपको नज़र आएंगी क्लियरली। पत्थर कुछ हैं बहुत स्लिपरी, लेकिन कुछ पत्थर बहुत सख्त हैं। पत्थर तो जो सख्त हैं, ये क्या है, फ्लॉ वी कुड नेवर चेंज, कभी भी हम नहीं बदल सकते। ये देखें, पता नहीं सदियों पुराने रैपर्स पड़े हुए हैं, हद होती है। अच्छा खासा मैं अच्छे मूड से उठी कि आपको मैं जगह दिखाती हूँ, विजिट कराती हूँ, सी व्हाट आई फाउंड। पता नहीं कितने साल पुराने मुझे लगते हैं रैपर्स। आई डोंट नो व्हाई डू वी ऑलवेज डू दिस, कि मैं पब्लिक स्पेसेस पे जाती हूँ हमेशा जो है वहाँ पे गंद और कूड़ा मिलता है। अब ये देखें कि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, अभी इनको बाहर निकलते वक्त फेंक दूंगी, कितना सारा ही कचरा है, मैं क्या क्या निकालूँ, ये पड़ा हुआ है सारा, फंसा हुआ है सारा, कहाँ कहाँ से निकालूँ ये सारा है, आई डोंट नो। हमेशा पब्लिक स्पेसेस पे ऐसे ही होता है। मैं देवशिप भी गई थी, वहाँ पर भी आई हैव टॉक टू यू गाइज अबाउट द सेम थिंग, कि एटलीस्ट आप जहाँ भी जाते हैं तो गंद ना फैलाया करें। अगर आप जो गंद पहले से फैला हुआ है वो तो आप संभाल नहीं सकते, बट एटलीस्ट जो चीज़ें आप अपने साथ लेकर आते हैं उनको तो अपने साथ वापस लेकर जाया करें। अब ये प्लास्टिक है बेसिकली, और ये जो है
इट विल बी द सेम इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. जो प्लास्टिक है और ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी. इट वॉन्ट चेंज. और ये इवन जो मेरीन लाइफ होती है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो वाटर लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो मुझे नहीं पता कि हम इन चीज़ों को कब समझेंगे कि किस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इसकी वजह से ख़राब हो रहा है. ना सिर्फ हम अपनी जगह को गंदा कर रहे होते हैं, अपने मुल्क को गंदा कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ हम जो बाकी के जानवर और हशरात रह रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ द सेम अर्थ, हम उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे होते हैं. तो काइंडली रिक्वेस्ट अगेन टू यू गाइज कि जब भी आप कहीं जाएँ तो प्लीज़ अपना गन जो है समेट के अपने साथ लेकर जाया करें. प्लीज़.